हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप? मैं हूँ माही और स्वागत करती हूँ मेरे चैनल हेल्थ एंड वेलनेस से। माही में आज की वीडियो है एक चैलेंज वीडियो जो कि पी शर्मा जी ने मुझे सजेस्ट किया था, और ये है नो ब्रश मेकअप चैलेंज। तो ब्रशेस तो मैं फेस पर नहीं यूज़ करती ज़्यादा, और लेकिन आई मेकअप के लिए ब्रशेस का इस्तेमाल करती हूँ और आईब्रो के लिए भी यूज़ करती हूँ। फेस पर मैं यूज़ करती हूँ ब्यूटी ब्लेंडर, तो चलिए आज ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ नहीं करेंगे और देखते हैं ये मेकअप चैलेंज कैसा जाता है। और ये जो है ये मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ बिना ब्रशेस के आईज़ के ऊपर प्रॉपर आई शेडो वगैरह लगाना, और स्पेशली आईब्रोज भी करना। आप देख लो, आईब्रो पे कुछ भी नहीं है, फेस पर भी कुछ नहीं है, मैं सब कुछ अभी आपके सामने स्टार्ट करूँगी। और दूसरी चीज़, आप मेरे हेयर देख रहे हो कितने स्मूथ, कितने सॉफ्ट हैं। मैंने अभी ना 2-4 दिन पहले एक हेयर मास्क शेयर किया था अपने चैनल पर, एक वीडियो शेयर किया था, तो वो वीडियो देखो आप। आज मैं वही लगा के हटी हूँ और मैंने शैम्पू नहीं किया है बालों को, सिर्फ अपने बाल पानी से धोए, और देखो कितने सॉफ्ट हैं यार, और शाइन दिन पर दिन मेरे बालों में बढ़ती जा रही है और हेयर फॉल भी कम होता जा रहा है। आप भी ट्राई करके बताओ कैसा लगा है आपको, और आपके बालों पर कुछ असर हुआ है उसका कि नहीं, क्योंकि मेरे बालों पर तो मुझे साफ साफ दिखता है। ये देखो कितने सॉफ्ट और स्मूथ होते जा रहे हैं। पहले क्या होता था, अश्विना जो मेरी बेटी है वो बहुत छोटी थी, तो मुझे ध्यान रखने का इतना टाइम नहीं मिलता था अपने हेयर का, अपनी स्किन का, अपनी बॉडी का। अभी वो थोड़ी सी बड़ी होती होती जा रही है जैसे जैसे, तो अपना थोड़ा बहुत खेलती है, थोड़ी बिजी रहती है, तो इसके लिए मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है। तो अभी मैंने अपने बालों का और अपने स्किन का ध्यान रखना स्टार्ट किया है, और जब से स्टार्ट किया है तब से मैं बहुत खुश हूँ यार। अंदर से यू नो खुशी मिलती है कि आप अपने लिए कुछ कर रहे हो। तो आप भी ट्राई ज़रूर करो, टाइम नहीं मिलता है, किसी के पास नहीं होता, आई नो, बट टाइम निकालना पड़ता है। तो टाइम निकालो अपने लिए और देखो कितने ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट बाल हो जाते हैं, कितना मज़ा आता है ना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की। तो सबसे पहले मैं जो अप्लाई करने वाली हूँ, आप देखो मेरे फेस के ऊपर कुछ भी नहीं है, मेरे बालों के ऊपर कुछ नहीं है, कोई मेकअप नहीं है। तो सबसे पहले मैं यूज़ करने वाली हूँ ये पॉन्ड्स का सुपर लाइट जेल। थोड़ा सा ही चाहिए बिकॉज मैंने सुबह मैंने पहले मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया था, एंड अभी मेकअप करने वाली हूँ इसके लिए थोड़ा सा और यूज़ कर रही हूँ, एंड थोड़ा ही लिया है मैंने और थोड़ा सा ही जस्ट यूज़ कर रही हूँ। लाइक प्राइमर का काम भी हो जाएगा और मॉइस्चराइजर का काम भी हो जाएगा। अच्छा हाँ, मेरी बाकी की और वीडियोस कैसी लग रही हैं आपको, जो गिव अवे जिस जिसने पार्टिसिपेट किया है, जिसकी जिसकी वीडियो अपलोड हो गई है, वो वीडियोस आप लोगों को कैसी लग रही हैं कुछ तो बताइए उसके बारे में। चलिए अब चलते हैं, मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ, कोई फाउंडेशन नहीं यूज़ कर रही, क्योंकि ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करते हैं तो ज़्यादा फ्लॉलेस लुक आता है। तो मैं यूज़ कर रही हूँ आज बीबी क्रीम, और ये ना बीबी क्रीम का फ़ायदा यही है कि आप इसको हाथ से भी ब्लेंड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ, कम ही लूँगी, ज़्यादा नहीं लूँगी, बिकॉज़ इसको भी ना ब्लेंड करना बहुत ईजी नहीं है, बट हाँ फाउंडेशन के साथ कंपेयर करूँ तो हो जाएगा। हाँ मैंने कंसीलर ज़रूर लिया है, उसको देखो अब मैं कैसे ब्लेंड करती हूँ। उसके बाद हाइलाइटर, हाइलाइटर हाथ से लग तो जाता है बट ज़्यादा नहीं लगता यार, मतलब अच्छे से नहीं लगता, ब्रश की हेल्प से ज़्यादा अच्छे से लगता है। तो अब मैं कर रही हूँ ब्लेंडिंग, 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 देखो हाथों से कैसी ब्लेंडिंग होती है। सॉरी मेरे गाने को इग्नोर करना आप लोग। अच्छा हाँ, मुझे आप लोगों से ना एक बात और पूछनी थी, ये बैकग्राउंड जो है इसमें आपको वीडियोस क्लियर दिख रही हैं, या इसके पहले जो मैंने एक वीडियो शेयर की है सप्लीमेंट्स वाली, जहाँ मैं बैठ के आपको बता रही हूँ सप्लीमेंट्स के बारे में, एंड उसकी भी 2-4 वीडियोस हैं आई हुई हैं, जहाँ मैंने एस्टी लॉडर, जिस सोफे पर बैठ के मैंने एस्टी लॉडर फेस सीरम का रिव्यू शेयर किया है, वहाँ की वीडियो ज़्यादा क्लियर है या यहाँ की है? क्योंकि मैं तो वीडियोस बना रही हूँ तो मुझे तो यहाँ ज़्यादा क्लियर दिख रही है, बट आप लोग सब लोग अपने फ़ोन में देखते हो तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से पता है। तो चलो भाई, बीबी क्रीम जो है, बीबी क्रीम बेबी क्रीम जो है पॉन्ड्स की ज़्यादा नहीं लगाई थी, लेकिन जितनी लगाई थी वो बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गई, तो इसको तो हाथ से अप्लाई करना आसान था। ठीक है, अब देखो एकदम फ्लॉलेस हुआ है ये, और मेरे सामने ना बड़ा सा शीशा है तो इसलिए मैं उसमें आराम से देख ले रही हूँ, मैंने हाथ में शीशा नहीं लिया, बट आई थिंक मुझे ज़रूरत पड़ेगी। चलो बीबी क्रीम हो गई है, अब मैं अप्लाई करने वाली हूँ कंसीलर, और कंसीलर मैंने लिया है लॉरियल का, मेरा फेवरेट कंसीलर, ये महंगा आता है यार बट ये बहुत अच्छा है, इसका 1-1 रुपया ना
वर्थ करता है। देखो कितने टाइम से यूज़ कर रही हूँ, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, ख़त्म मत होना हाँ, ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन ब्लेंड भी हो जाता है और कवरेज भी अच्छी खासी मिलती है। और भी चैलेंज वीडियोस आप लोगों ने मुझे सजेस्ट किए हैं, जैसे कि नो मेकअप, सॉरी नो मिरर मेकअप, तो देखते हैं वो कैसा जाता है। और देखो मैंने सिर्फ अभी अंडर आई एरिया में ही कंसीलर लगाया है, बाकी के फेस पे नहीं लगाया, क्योंकि फिंगर्स की हेल्प से ब्लेंड करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा और मैं कंसीलर ख़राब नहीं करना चाहती, लगा के नहीं चाहती कि वो ड्राई हो जाए फेस पे। तो अगर आपको हाथों से मेकअप करना हो ना, आपके पास ब्रशेस नहीं हो, तो आप ये चीज़ कर सकते हो कि फाउंडेशन की जगह आप बेबी क्रीम इस्तेमाल करो, और कंसीलर आप स्टिक वाला मत यूज़ करो, लिक्विड कंसीलर यूज़ करो। स्टिक वाला जो कंसीलर होता है उसको ब्लेंड करने में टाइम लगता है। देखो ये कंसीलर ब्लेंड हो गया अच्छे से, ये देखो, एंड लिक्विड कंसीलर ब्लेंड हो जाता है आसानी से हाथों से भी, और खैर ब्यूटी ब्लेंडर से तो होगा ही। नोज़ पे ना मैंने ज़्यादा लगा लिया, उसको ब्लेंड करना मुश्किल हो जाएगा। चलो देखते हैं, अब देखो कितनी अच्छे से ना ये स्किन टोन में मैच करता है। अच्छा कंसीलर चाहे आप हाथ से लगाओ या आप ब्यूटी ब्लेंडर से लगाओ, आपको ऐसे नहीं करना, मैं टच नहीं कर रही मेरा खराब हो जाएगा, ऐसे ऐसे नहीं करना, ऐसे ऐसे पैट टैप करना है, सॉरी। तो ये हाथ से भी हो रहा है, अब देखो हाथ से भी ब्लेंड हो रहा है। बेशक थोड़ा टाइम लग रहा है, तो ठीक है टाइम लग जाए भाई, एंड चैलेंज तो पूरा करना है ना। ये देखो जी कितने अच्छे से ब्लेंड हो गया। अब क्या लगाएं, लूज पाउडर तो मैं कम ही लगाती हूँ, ज़्यादा नहीं लगाती, बिकॉज़ गर्मियों में लगाती हूँ, सर्दियों में नहीं। तो अभी भी मौसम ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है ऐसा गर्मी वाला, बाहरी में गर्मी सर्दी ख़त्म हो गई है, लेकिन गर्मी भी नहीं आई है अभी, बिकॉज़ अभी मौसम अच्छा है। तो लूज़ पाउडर नहीं लगा रही, मैं कॉम्पैक्ट लगा रही हूँ मेबलिन का, जिसमें कि मिरर नहीं है, निकल गया है, और मुझे अभी तक उसको फिक्स करने का टाइम नहीं मिला। एप्लीकेटर है, नहीं यूज़ करूँगी, हाथ से ट्राई करती हूँ, शायद कुछ लगता है ज़्यादा ना लग जाए। ये देखो ये है हाथ में, लेकिन मैं क्या करूँगी, थोड़ा थोड़ा लेके यूज़ करूँगी। दिख रहे हो आप, दिख रहा है, तो बिल्कुल हल्का सा ही यूज़ करूँगी, बिकॉज़ बीबी क्रीम लगाई है पॉन्ड्स की, तो और इतना समर्स नहीं है जो मेल्ट होगी। बीबी क्रीम वैसे भी अगर फाउंडेशन के साथ कंपेयर करें तो थोड़ी कम ही मेल्ट होती है, तो हल्का सा इसको सेट करने के लिए मैं कॉम्पैक्ट लगा रही हूँ। ये रहा, तो फ्लॉलेस की बात करूं बीबी क्रीम से एंड कंसीलर से, तो उतना अच्छे से ना कॉम्पैक्ट हाथ से नहीं लगता है यार, ये है चैलेंज, ये हाथ से नहीं लगता है इतना अच्छे से, इसके लिए एप्लीकेटर चाहिए। बट चलो फिर भी लगा लिया मैंने, बट हाँ काम चलाओ तो हो गया, देखो ब्लेंड हो गया अच्छे से, लग गया, पैची नहीं है, मेन चीज़ ये है पैची नहीं है, पैची हाथ से अगर हम करते हैं ना तो पैची पैची सा हो जाता है, तो वो पैची नहीं दिख रहा। तो बेस मेकअप तो हो गया है कंप्लीट, और आप देख सकते हो कितने अच्छे से कवर हुआ है मेरे दाग धब्बे, कंसीलर ब्लेंड हो गया है, बीबी क्रीम अच्छे से ब्लेंड हो गई है, एंड कॉम्पैक्ट भी फाइनली लग गया है। अब क्या लगाना है, अब हम चलेंगे आईब्रोज पे, एंड आईब्रोज के लिए आज मैं यूज़ कर रही हूँ, मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ एसेंस की सुपर लास्ट 24 आवर आईब्रो पोमेड पेंसिल है, ये वाटर प्रूफ है, एंड ब्रश नहीं लिया है मैंने, स्पूली नहीं ली है, लेकिन इसके लिए तो ज़रूरत पड़ेगी ना यार, बट चलो ट्राई करके देखते हैं, और मुझे इसके लिए मिरर की ज़रूरत पड़ेगी, तो पहले मैं ले लेती हूँ मिरर। तो अब मैंने ले लिया है अपना मिरर, और ब्रश का इस्तेमाल मैं नहीं करूँगी, मैं कैसे करूँगी आईब्रोज यार बिना ब्रश के, चलो ट्राई करके देखते हैं। अच्छा आप लोग मार्क्स ज़रूर देना हाँ, कि मैंने ये मेकअप चैलेंज कंप्लीट किया है कि नहीं किया, और 10 में से मार्क्स देना, ओके।
कितने मार्क्स देते हो आप मुझे। चलो जी, पहले मैंने कर ली है आउटलाइन और अब मैं इसको कर रही हूँ फिल। तो बहुत हल्का कलर है इसका, इसीलिए मैंने इसको चूज़ किया था कि ज़्यादा ना लगे, क्योंकि ब्रश की हेल्प तो ले नहीं सकते हैं इसको ब्लेंड करने में, और अगर ज़्यादा लग गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। आईब्रो करने का ना अपना अलग ही एक वो है यार, आईब्रो कर लो फेस का ना पूरा लुक ही चेंज हो जाता है। तो ये मैंने कर ली है आईब्रो, और बिना ब्रश के तो अब इतनी ही होगी। चलो फिंगर से मैं इसको ट्राई करती हूँ सेट करने की। मैं गलत फिंगर यूज़ कर ली, इस फिंगर से ट्राई करती हूँ। वाह, काफ़ी अच्छे से हो गई यार। मेरे मार्क्स जो है ना वो आईब्रो की वजह से ही जाएंगे। अब मैं इतना ही कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा करूँगी तो गड़बड़ हो जाएगी। चलो इधर का भी कर लेते हैं। देखो जी, इधर का हो गया गड़बड़ यहाँ से। एनीवेज ट्राई करते हैं। अच्छा, मेकअप कलेक्शन की वीडियोस देख के आप लोगों ने मुझे बताया नहीं कौन कौन से ब्रांड के ऊपर मेकअप चाहते हैं आप लोग। और मैंने एक और चीज़ पूछी थी अपनी पिछली वीडियो में कि गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए नेक्स्ट रूल क्या रखना है, तो आप लोगों ने बताया नहीं अभी मुझे, दो ही तीन लोगों ने बताया है, तो आप लोग भी बता दो यार। सबकी सबकी बात सुन के ना फिर एक वो अच्छा लगता है, सब लोग अपना अपना सजेशन देते हैं तो फिर उसमें से कुछ चूज़ किया जा सकता है। अगर एक ही दो लोग देंगे तो फिर कैसे चलेगा। कहा था मैंने अगर मार्क्स कट होंगे तो आईब्रोज की वजह से होंगे होंगे, आई नो होंगे। और लो जी, हो गए। और मेरे को समझ नहीं आती, हमारी एक आईब्रो का शेप अलग होता है, दूसरे आईब्रो का शेप अलग क्यों होता है, साथ में ये दोनों फिर भी अलग अलग रहती हैं, सास बहू के जैसे लगता है। ये सास है और ये बहू है, देखो दोनों आईब्रो हैं लेकिन शेप दोनों की अलग अलग रहेगी। बस अब इससे ज़्यादा मैं टाइम नहीं दे सकती इसको, बहुत हो गया, बाकी का मेकअप ही नहीं कर पाऊँगी फिर मैं, अगर मैं इसी के पीछे लगी रहूँगी। तो आप लोग मार्क्स दे देना भाई, ब्लेंड मैं कर ले रही हूँ फिंगर से। थोड़ा सा रह गया ना यहाँ पे फिल करना, कर लेती हूँ। अब आगे बढ़ने से पहले मैं क्या कर रही हूँ, मेरे हाथों में जो फाउंडेशन कॉम्पैक्ट आईब्रो का कलर लगा है सबको मैं ना एक वाइप की हेल्प से ऐसे साफ़ कर लेती हूँ। ये देखो यार साफ़ कर लेती हूँ ताकि नेक्स्ट जो मेकअप है वो मिक्स ना हो और ख़राब ना हो। हाथ साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, और मैं वाइप्स अभी फेस पर यूज़ नहीं करती हूँ। मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो इसके ऊपर बनाई हुई है कि क्यों नहीं यूज़ करनी चाहिए, और ये मेरी बेटी की वाइप है पैम्पर्स की, तो उसकी बॉडी पर भी अभी मैं यूज़ नहीं करती हूँ, पहले यूज़ करती थी। लेकिन ये बहुत गंदी होती है यार वाइप्स, स्किन को ख़राब कर देती हैं, तो ये पैकेट पड़े पड़े ऐसे ही ख़राब हो रहे हैं। तो बस मैंने वाइप से अपने हाथ साफ़ कर लिए, फेस पर तो इस्तेमाल कभी नहीं करूँगी, आप भी मत किया कीजिए अगर करते हैं तो। अब हमें यूज़ करना है आई शेडो, काजल, आई लाइनर, देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं। चलो तो आई शेडो के लिए अब मैं ले आई मेकअप रेवोल्यूशन की ये वाली पैलेट, ये है रीलोडर आइकॉनिक वर्जन, तो इसी को ट्राई करते हैं आज। वैसे भी इसका रिव्यू मेरे चैनल पर नहीं है, तो देखते हैं क्या यूज़ करती हूँ मैं इसमें से। तो
तो सबसे पहले मैं इसमें से यूज़ करूँगी ये बीच कलर बेस देने के लिए। आई शेडो नहीं मिक्स होगा यार फिंगर से, कभी नहीं हो सकता। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा कलर्स का इस्तेमाल नहीं करूँगी, कम ही करूँगी, जितने कम से कम कर सकूँ मैं करूँगी। ओके, तो ये हो गया बेस कलर। फाइन, अब मैं यूज़ करने वाली हूँ इसी के ऊपर बिल्कुल हल्का सा ये ग्लिटर, और ये बहुत ही बढ़िया ग्लिटर है इसका। मेरा मुंह देखो कैसे है। गोल्डन कलर में है तो ये कैसे भी चल जाता है। आई शेडो पैची हो जाती है, देखो फिंगर में लग गई ना। अभी इसके आगे ब्लेंड नहीं होगी, इसको साफ करना पड़ेगा पहले फिंगर को, फिर से उठानी पड़ेगी। आई मेकअप करते करते मुंह ऐसे क्यों हो जाता है? बस देखो आई शेडो नहीं ब्लेंड हुआ अच्छे से। अलग ये जो ग्लिटर वाले कलर हैं ये फिंगर से ही लगते हैं, लेकिन लास्ट में क्या करते हैं, लास्ट में हल्का सा ब्रश इस्तेमाल कर लो। नहीं यार बड़े अच्छे से हो गया। ओह माय गॉड, ये देखो बस दिखाती हूँ, ये देखो कितने अच्छे से हो गया ब्लेंड, और इनर कॉर्नर पर भी आ गया। तो इनर कॉर्नर पर हाइलाइटर लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर आ गया है थोड़ा सा, तो इसको अब मैं साफ करूँगी। और ये देखो, तो ये मैंने लिया है कॉटन पैड, और इसकी हेल्प से मैं साफ करूँगी जो हल्का सा लगा था। तो ये हो गया है क्लीन। तो ये हो गया है क्लीन। अब मैं क्या करूँगी, हल्का सा पाउडर और यहाँ पर अप्लाई करूँगी, बिल्कुल हल्का सा लूँगी। पहले अपने हाथ पोछूँगी ताकि जो ग्लिटर है वो पूरे फेस पर ना लग जाए। हाँ, वाइप से मैंने कर लिया क्लीन। अब मैं फिर वही सेम कॉम्पैक्ट लेके आई शेडो आप देख सकते हैं कितनी ब्लेंड हुई है। वैसे जितना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था उतनी हो गई है। अब मैं आईलाइनर के लिए आज यूज़ कर रही हूँ ये काजल, और इसका मेबलिन का कोलोसल काजल, और मैं ब्रश जो आता है, जैसे मैंने पहले ये लैक्मे का रखा था ये वाला यूज़ करने वाली थी, लेकिन इसमें तो ब्रश है, तो नो ब्रश मेकअप चैलेंज है, तो कंप्लीट तो करना ही है ना। सिर्फ आईलाइनर के लिए क्यों छोड़ दूँ मैं, मार्क्स कट करूँ मैं, है ना। तो अभी मैं इसी से ट्राई करती हूँ, वैसे मैंने अभी तक इसे ट्राई कभी किया नहीं है, और इसके अलावा तो पॉसिबल नहीं है करना, क्योंकि चाहिए ही चाहिए, कुछ तो चाहिए ना लगाने के लिए। ये तो फिंगर से नहीं लगेगा, बट नॉट बैड। तो जो मेरा फेवरेट है विंग आईलाइनर वो तो नहीं लगेगा इससे, बट जैसा लग रहा है लगा करके दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को। नॉट बैड यार, एक आंख का तो काफी अच्छा लग गया, अभी इधर का तो पता नहीं कैसा लगेगा, देख लेते हैं। चलो, अभी तो ये मेकअप चैलेंज था।
नो ब्रश मेकअप चैलेंज, अभी तो नो मिरर मेकअप चैलेंज भी है भाई करने के लिए, तो उसमें पता नहीं क्या होगा। अब देखो इसमें क्या हुआ, इसमें हो गया है ये कि एक साइड का मोटा रह गया है, एक साइड का पतला है, तो मोटे को तो पतला नहीं कर सकती आईलाइनर में, पतले को मोटा जरूर कर सकती हूँ। सेम रियल लाइफ में भी होता है यार, पहले पतले हो तो फिर मोटे होने में बड़ा टाइम लग जाता है, सोचते हैं लोग वेट गेन नहीं हो रहा, वेट गेन नहीं हो रहा। लो जी और जब मोटे हो जाओ तो फिर पतला नहीं हो पाता इंसान जल्दी जल्दी, बट ये तो आईलाइनर है, इसमें तो हम कर सकते हैं। ओके तो ये अभी लग गया है, अब मैं इसको ऊपर की साइड भी लगा लेती हूँ। और ऊपर की साइड लगते लगते ना नीचे भी लग गया, चलो जी ऊपर हो गया, काजल और लैश लाइन पर भी लगा लिया। ये लग गया हमारा आईलाइनर और काजल, कैसा लगा? क्या लगाना बाकी है? अब सिर्फ दो ही चीज़ें रह गई हैं, अब रह गया है मस्कारा, दो नहीं तीन चीज़ें रह गई हैं, मस्कारा एंड लिपस्टिक और हाइलाइटर, बस हमारा मेकअप चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा। तो मस्कारा मैं लगा रही हूँ ब्लू हेवन का, और ये जो मस्कारा है बहुत अफोर्डेबल है, और मस्कारा तो बिना ब्रश के लगेगा, नहीं तो मस्कारा के लिए तो ब्रश चाहिए ही ना भाई, ये तो अब प्रैक्टिकल है आपको पता ही है, ये तो ऐसे ही लगेगा। चलिए कंप्लीट कर लेते हैं, ये हो गया मेरा मस्कारा कंप्लीट। अब मैं लगा लेती हूँ हाइलाइटर, एंड हाइलाइटर के लिए मैंने यूज़ किया है आज ये वाला लगा रही हूँ मेबलिन का, एंड ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। तो हाइलाइटर तो मैं हाथों से लगा लेती हूँ, पहले भी लगा लेती हूँ आप लोगों को पता है, बट थोड़ा थोड़ा ना कभी कभी ज़्यादा हो जाता है यार, हाथ से ब्रश से ना अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। तो मैं बिल्कुल हल्का ही लगा रही हूँ, बहुत ज्यादा नहीं लगाने वाली। अब इनर कॉर्नर पे कैसे लगाऊं? ओके ट्राई कर रही हूँ, शायद लग जाए बेबी फिंगर से। लग गया, लेकिन यहाँ पर भी लग गया थोड़ा सा। चलो अब लगाते हैं लिपस्टिक, पहले अपना हाथ साफ करते हैं, बहुत सारा हाइलाइटर लग गया है। मैं लगाने वाली हूँ लिपस्टिक, तो लिपस्टिक ये हुडा ब्यूटी की है, ये ड्यू पे ओरिजिनल नहीं है, इसका शेड मत पूछना मेरे से आप लोग, कोई भी लिपस्टिक आप लगा लेना। तो इसको भी मैं फिंगर की हेल्प से ही लगा लेती हूँ भाई, इसको मैं ऐसे डायरेक्ट नहीं यूज़ करूँगी, हाथों पर उतना आएगा कलर, देख लेते हैं। लिक्विड लिपस्टिक मैंने जानबूझ के नहीं ली, इधर उधर हो जाती तो क्लीन करना पड़ता। तो ये कौन सा कम है, ये भी लग गई देखो, शेप ही चेंज हो गई। बट एनीवेज मुझे अपना बेस्ट
ट्राई करना था, मैंने अपना बेस्ट लग किया है। अब आप लोग मार्क्स देखे बताना मुझे, हाँ कैसा किया है मैंने, टूटना मत प्लीज। ये जो नीचे साइड में लाइन है ना, यहाँ नहीं लग रही यार फिंगर से। चलो लग गई लिपस्टिक हमारी, और हमारा मेकअप हो गया कंप्लीट, प्लस चैलेंज भी हो गया कंप्लीट। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा है आपको ये चैलेंज, कैसी लगी मेरी ये वीडियो। तो ये है मेरा फाइनल लुक, देख लीजिए आप, अच्छा हो गया यार, फ्लॉलेस हो गया है। अब मैं देख लेती हूँ मिरर में और मैं बताती हूँ आपको मुझे कैसा लग रहा है। तो आई शेडो तो मैंने इतना उम्मीद नहीं किया था इतने अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा, बट हो गया है। काजल और आईलाइनर भी ठीक से लग गया है, मस्कारा भी ठीक से लग गया है, ओके, एंड हाइलाइटर भी ठीक से लग गया है। मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लगाया, मैंने थोड़ा ही लगाया था। लिपस्टिक भी अच्छी लग गई है, आईब्रो भी बहुत अच्छी हो गई है, इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बहुत अच्छे से हो गई है और कॉम्पैक्ट, एंड जो बीबी क्रीम का मैंने इस्तेमाल किया था सब कुछ अच्छे से ब्लेंड हो गया है, सब कुछ अच्छे से लग गया है। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी, आ गई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।